कोलकाता मर्डर केस में नया मोड़। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सीबीआई की ओर से की गई जांच और डॉक्टर के साथ ही छात्रों के बयानों ने खुलासा किया है। दावा है कि ट्रेनी डॉक्टर को ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश करने की कोशिशों के चलते मारा गया है। सीबीआई ने अब तक 19 लोगों से पूछताछ की है। ज्यादातर लोगों ने अंग तस्करी रैकेट के बारे में जानकारी दी है। अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट चलाने का आरोप। सीबीआई सूत्रों की माने तो मामले की जड़ें काफी गहरी है, जिसके कारण ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। सीबीआई रिपोर्ट्स के अनुसार मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेक्स और ड्रग रैकेट चलाने का भी आरोप है। 23 साल पहले 2001 में कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की मौत की कड़ियां भी इससे जुड़ने लगी हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुराग और पूछताछ में मेडिकल कॉलेज के 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इनमें 3 डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये चारों एक सियासी दल से जुड़े हैं और अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट चलाते थे। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि इन सभी मामलों का पता लगाने के साथ पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। डॉक्टर के पिता ने लगाए ये आरोप। इस मामले में कोलकाता पुलिस के एक सिविक वॉलंटियर संजय राय को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं ताकि उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके। ट्रेनी डॉक्टर के पिता का आरोप है कि इस विभत्स घटना में पूरा डिपार्टमेंट शामिल है। संदेह है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव सेमिनार रूम में लाकर रख दिया गया। कॉलेज के छात्रों ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप लगाए हैं कि इस घटना की जानकारी घोष को थी। आरोप है कि अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आने वाले लावारिस शवों को प्रैक्टिकल के लिए रखा जाता था। दावा किया जा रहा है कि उनके शरीर से अंग भी निकाल लिए जाते थे, लेकिन सीबीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है।